इंडिया कंपनी ने जो यहाँ आकर किया उसको हटाने में कांग्रेस जानती है वो दर्द, ये लोग नहीं समझेंगे वो दर्द। 45 साल का अगर बेरोजगारी का रिकॉर्ड है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंद्रेश कुमार कहते हैं कि भिक्षा मांगना भी एक रोजगार है, वहीं माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है, और अमित शाह साहब के शाहजादे जय शाह, उनकी कंपनी 5 साल भी नहीं 4 साल में 15,000% उसकी आय बढ़ जाती है उस कंपनी की, हमें नहीं मालूम वो कंपनी क्या काम करती, उनको क्यों नहीं सलाह देते कि पकौड़े तलिए। तो शाहजादा का मॉडल अलग, और देश के बाकी बेरोजगारों के लिए आप चीन पाकिस्तान 370 कह के गुमराह करते रहेंगे। आज हम बार बार आपकी मार्फत मुखातिब आपकी तरफ होते हैं, देश की तरफ मुखातिब होते हैं, क्योंकि जिस तरह के धन बल से आज ये पूरी संस्थाओं को, संस्थानों पर कब्जा किया है इन्होंने, असली बात बाहर नहीं आने देते। कल ये अगर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो आप सोचिए कि अभी तो बेरोजगारी से हम लड़खड़ा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, GST से संघर्ष कर रहा है छोटा व्यापारी, नोटबंदी से कमर टूट गई थी अर्थव्यवस्था की, इसके बाद तो हम उठने लायक नहीं रहेंगे, इस तरह से ये गिरा कर जाएंगे अर्थव्यवस्था, इस तरह से ये छोटे व्यापारी किसान और बेरोजगार नौजवान को तबाह करके जाएंगे। ये ऐसा वक्त है जिसमें हमें आप सबकी बहुत सहयोग की आवश्यकता है, इस बात को जितना हम जोर से बोल सकें, जितना मजबूती से रख सकें, जितना सशक्त तरीके से रख सकें, उतना देश का फायदा होगा। असली देशभक्ति, असली देश प्रेम ये होता है, ना कि नारे लगाना। घरेलू बचत पिछले 20 साल 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, घरेलू बचत टूट गई, बाजार में खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, बैंकों में पैसा सुरक्षित नहीं है, PMC में जो क्राइसिस आया, जो संकट आया, PMC एक बैंक है महाराष्ट्र में, 8 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनकी गाड़ी कमाई उस बैंक में डूब गई। एक और बैंक है जो अब पासबुक पर मोहर लगा देता है कि हमारी गारंटी आपके सिर्फ 1,00,000 रुपए की है, भले ही आपने हमारे बैंक में 50,00,000 रखे हैं, तो मेरा पैसा मेरे घर में सुरक्षित नहीं है, मेरा पैसा बैंकों में सुरक्षित नहीं है, आपने इस अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया। मन की बात करने वाले मनमोहन की बात सुन लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। उन्होंने नोटबंदी के वक्त कहा था कि 2% गिरावट आएगी हमारी विकास दर में, आज 3% से भी ज्यादा गिर गई है विकास दर। अब ये स्वयं मानते हैं कि हाँ विकास दर में गिरावट आई है। मुझे एक लाभ बताइए, अगर मोदी जी खुद बता सकें नोटबंदी से लाभ क्या हुआ इस देश को, जहां देखो वहां हानि होती हुई दिखी। उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपने रात को 12 बजे एक और नाटक करके GST लागू किया, और बोलते हैं कि आज़ादी ये दूसरी आज़ादी है। कभी आपने सुना कि टैक्स लगाकर उसका त्यौहार मनाया जाए? एक तो आप पर वन नेशन वन टैक्स की जगह 1 Nation 5 Taxes लगाए, उसका त्यौहार मनाया, जले पे नमक जिसको कहते हैं वो चीज। अभी नोटबंदी और GST से हम उबर नहीं पा रहे, आप ये ला रहे हैं RCEP। जितना दबाव हम डालेंगे इस सरकार पर, शायद इनके कान पर कोई जू रहेंगे और इस पर हस्ताक्षर ना हो। इस पर हस्ताक्षर होना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, विल बी द डेथ नेल ऑफ आवर इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था पर ये एक अंतिम और घातक